फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हम आए हुए हैं स्वामीनारायण मंदिर गुरुकुल। तो ये आप देख सकते हो, लास्ट वीडियो में मैंने मंदिर के दर्शन करवाए आपको और सांस्कृतिक झांकी जो होती है वो दिखवाई है, और ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी सुंदर है। आज के वीडियो में मैं आपको इन्फो सिटी दिखाऊंगी और नेचुरल पार्क है वो दिखाऊंगी, और भगवान जी की नगर यात्रा होती है वो भी है, और झूले वगैरह वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सांस्कृतिक झांकी देख के निकल चुके हैं और अब हम आ चुके हैं इन्फो सिटी के अंदर। और आप जब भी कोई भी जगह पर एंट्री करते हो तो वहाँ पर आपको टिकट दिखानी पड़ती है, तो आप टिकट संभाल के रखिएगा। नेचुरल पार्क में और राइड्स में भी लास्ट में जाओगे झूले वगैरह में, तो वहाँ पर भी आपको टिकट दिखानी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्वेंशन जो भी किए हुए हैं साइंटिस्ट वगैरह, उनका पूरा नाम डिटेल में लिखा हुआ है क्या है, और वो सब यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो अगर आप चाहो तो आप पॉज करके पढ़ लेना, आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़नी हो तो। और ये आप देख सकते हो, म्यूज़िक के रिदम से लाइटिंग वगैरह चलती रहती है, और ये और भी आप इन्वेंशन वगैरह सब देख सकते हो। मैं आपको पूरा वीडियो डिटेल में दिखा रही हूँ, तो कैसा लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आता तो लाइक ज़रूर कर लेना, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना चैनल को। और आपने गुरुकुल का पार्ट वन नहीं देखा हो तो आप वो ज़रूर से देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई है, अगर आपको साइंस में वगैरह इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पर आके अच्छे से देख सकते हो, और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। ये जो भी चीज़ें सब चल रही है, वहाँ पर स्विच दिया हुआ होता है, तो उसको आप प्रेस करोगे तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ये आप सामने देख सकते हो, यहाँ पर भी स्विच वगैरह जो दिए गए हैं। और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये इस गुरुकुल का जैसे हॉस्टल है, जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं। और ये आप देख सकते हो, इस बॉटल के अंदर इतनी बड़ी घड़ी है, और यहाँ पर ये चारपाई देख सकते हो, ये भी बॉटल के अंदर है। चलिए चलते हैं और भी देखते हैं। और ये आप देख सकते हो, हम ऊपर की साइड में आ चुके हैं, तो मंदिर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हम आ गए हैं मिरर हाउस के अंदर। ये कुछ इस तरह का था मिरर हाउस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये आप बाहर देख सकते हो, यहाँ पर मिरर्स लगाए गए हैं, उसमें अलग अलग शेप्स आपके दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, और भी मोटर पार्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये सैटेलाइट का दिखा रहे हैं कि सैटेलाइट कुछ इस तरह से घूमती है पूरे अर्थ के ऊपर, और ये अर्थ कैसे घूमता है सन के पास में। ये यहाँ पर गांव का पूरा दृश्य बनाया गया है, और ये आप देख सकते हो नेचुरल पार्क कुछ इस तरह का दिखता है ऊपर से। ये अंदर से पूरा मैं आपको दिखाऊंगी, चलेंगे नीचे तब। और ये आप देख सकते हो, विंड मिल भी लगाई गई है, और भी जो भी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो, रिदम वाली हैं, जैसे म्यूज़िक चलेगा उस हिसाब से लाइटिंग चलती रहती है। और ये और भी मोटर्स पार्ट्स के इंजन के बारे में बताया गया है, इंजन कैसे चलता है क्या है सब इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। अब ऊपर से उतरते ही सामने नेचुरल पार्क की एंट्री है, तो एंट्री करते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है नेचुरल पार्क, और यहाँ पर बर्ड्स वगैरह भी हैं, और भी झांकी वगैरह हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। और ये पीछे से मंदिर देख सकते हो, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। और ये आप देख सकते हो पैरोट्स, यहाँ पर काफ़ी सारे पैरोट यहाँ पर रखे गए हैं। और ये आप रैबिट देख सकते हो। ये यहाँ पर विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में दिखाया गया है, तो यहाँ पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है कि कौन से अवतार उन्होंने लिए थे। ये आप देख सकते हो स्वामीनारायण भगवान, और यहाँ पर एक जंगल का दृश्य दिखाया गया है, किस तरह से है क्या है। और ये चलते हैं आगे, और यहाँ पर लकड़ी के जैसे पुल होते हैं उस तरह का यहाँ पर बनाया गया है। और ये सुमो रेसलर यहाँ पर दिखाए गए हैं, खली दिखाया गया है, सचिन दिखाया गया है। ये यहाँ पर जो रखा गया है ये बहुत हैवी है, जल्दी से कोई उठा नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा वजन है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रैगन बनाया गया है, और यहाँ पर
कबूतर दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट कलर के भी हैं, ब्लैक कलर के भी हैं, तो ब्लैक वाला भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो और भी पैरेट्स हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स के हैं, वाइट भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, अलग अलग तरह के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक और आ गया लकड़ी का पुल, तो ये आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर गांव की थीम दिखाई गई है, यहाँ पर योगा करते हुए दिखाए गए हैं सब। ये यहाँ पर सामने हॉरर गुफा बनाई गई है, तो चलिए चलते हैं अंदर। सच में थोड़ी डरावनी लगती है अकेले होते हैं तब। और चलिए चलते हैं बाहर। ये यहाँ पर शिव भगवान दिखाए गए हैं, यहाँ पर शिवलिंग दिखाई गई, फाउंटेन दिखाया गया है, काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो शिव भगवान की एक और प्रतिमा है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर कलरिंग बर्ड्स है जो पैरट्स से छोटे छोटे साइज के, ब्लू ग्रीन अलग अलग कलर के, काफी सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर कृष्ण भगवान हैं, राधा जी हैं, और यहाँ पे और भी जैसे गोपियाँ वगैरह दिखाई गई हैं, और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अब ये एंड होने वाला है नेचुरल पार्क का, और कुछ इस तरह का दिख रहा है। चलिए चलते हैं बाहर। ये कैंटीन एरिया है, तो आपको कुछ खाना हो तो वो आप यहाँ पर खा सकते हो। ये यहाँ पर आप देख सकते हो पैक फूड आपको परचेज करना तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जैसे वड़ा पाव, पफ, दाबेली वगैरह जो भी परचेज करना, 18 रुपीज़ प्राइस था सबका सेम, तो हमने ये परचेज किया था। और ये हमने ली थी कुल्फ़ी और नगर यात्रा, देखेंगे चलिए। अगर आपको ये नगर यात्रा देखनी हो तो ये रोज शाम को 7 बजे निकलती है, और ये शाम के वक्त आप देख सकते हो मंदिर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा अंधेरा और हो जाएगा तो मैं वो भी व्यू आपको पूरा दिखाऊंगी, तो काफी अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह काफी सुंदर दिखाई देती है। ये गुरुकुल है, चलिए चलते हैं अभी राइड्स की तरफ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे झूले वगैरह लगाए गए हैं, और यहाँ पर कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं आप देख सकते हो, और आप भी स्लो वीडियो थोड़ा सा इंजॉय कर लीजिए। और ये राइड्स के वहाँ से निकलते हैं, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कैंटीन भी बनाया गया है, तो यहाँ पे अगर आप और कुछ आपको खाना हो, पाव भाजी, डोसा वगैरह, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और कुछ इस तरह का है ये पूरा कैंटीन, और ये आप देख सकते हो रात का व्यू मंदिर का कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप आते हो मंदिर पर तो करीबन आपको 1.5-2 घंटे आराम से लग जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ही लग सकते हैं, पर आप फटाफट फटाफट देखोगे तो भी 1.5-2 घंटे आपको लग जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो थोड़ा टाइम लेके आओ तो आप अच्छे से पूरा मंदिर देख पाओगे। और भी जो मंदिर मैंने बोला था जाते वक्त मैं आपको दिखा दूँगी वो दिखा देती हूँ। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर भगवान जी का अभिषेक होता है। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
ये आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सुंदर बनाया गया है और फर्श भी आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ पर बैठ के पाठ किया जाता है और यहाँ पर लेडीज़ अलाउड नहीं है, सिर्फ जेंट्स ही यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर ये पुरानी चीजें सब कुछ यहाँ पर रखी गई है। चलिए यहाँ पर ये यज्ञशाला है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हवन वगैरह किया जाता है। ये आप देख सकते हो लाइटिंग कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। रात के वक्त तो काफ़ी अलग नज़ारा होता है यहाँ का, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। ये शाम के वक्त झांकी देख सकते हो आप, कुछ इस तरह की दिखाई देती है। और यहाँ पर जैसे बच्चों को अभी पढ़ाया जा रहा है मंदिर के अंदर। पूरा वीडियो देख के आपको कैसा लगा और पार्ट वन ज़रूर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।